हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज आपको मैं बता देता हूँ रियल मी C3 में डिस्प्ले डालना। C5 आई सेम होती है दोस्तों, एक ही डिस्प्ले सारे फ़ोनों में लग जाती है। तो दोस्तों आपके शहर में या आपके गांव में एक बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो होलसेलर होता है, जो सारी दुकानों पर फोल्डर डिस्प्ले सप्लाई करता है। तो दोस्तों आप किसी भी दुकान पर जाकर डिस्प्ले ले सकते हैं कि इसकी डिस्प्ले दे दो अगर आपके पास इस मॉडल में से कोई सेट है तो, और डिस्प्ले आपको डालनी है तो मैं जैसे बताऊं वैसे आप डाल लीजिए। आसान तरीके से आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। क्योंकि शॉप पर जाते हैं तो अक्सर आजकल अक्सर ऐसा हो रहा है कि वो आपकी बैटरी चेंज कर देंगे, चार्जिंग बोर्ड चेंज कर देंगे, मदरबोर्ड चेंज कर देंगे, उसके बाद उससे पैसे कमा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों ऐसा आपके साथ ना हो तो उसके लिए आप खुद से कर लीजिए। बहुत आसान तरीका भाई, बहुत आसान तरीका। बैक कवर खोलना है आपको, आगे की डिस्प्ले कस्टमर ने तोड़ ही दी है, निकाल ही दिया है, पत्ता कट गया उसका, अभी आधा पत्ता इसका अंदर ही मिलेगा, दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले बैक कवर खोल लीजिए, ऐसे सिम ट्रे निकाल के ये बैक कवर आप नाखून की मदद से खुल जाता है इनका आराम से, और कुछ कोई स्क्रू बैक कवर में नहीं होता इसके। आप आराम से इसको खोल लीजिए, आपको चाहिए होगा एक स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर से सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा हमको खोलना, नीचे वाला खोलने की ज़रूरत ही नहीं है हमको। घर में कोई बिजली का प्लग वगैरह चेंज करना हो तो खुद से कर लेते हैं, वहाँ तो हम इंजीनियर बन जाते हैं, मगर यहाँ ऐसा लगता है कि ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, डिस्प्ले चेंज करने में तो कोई पार्ट्स चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ये बैक कवर खोल देना। ये बैक का कवर निकालने के बाद दोस्तों बैटरी का ये पत्ता है, ये आप रिमूव कर लीजिए यहाँ से। बैटरी का पत्ता रिमूव करने के बाद ये हरी सी पन्नी लगी हुई है ना, इसको पकड़ के आप उठाना, बैटरी उठ जाएगी आपकी। थोड़ी टाइट होगी शुरू में, ये एक दो बार सेट में डिस्प्ले डल चुकी है तो इस वजह से थोड़ी इसकी गमिंग हल्की हो गई है, वरना ये थोड़ी सी टाइट होती है। तो ये ग्रीन पन्नी पकड़नी है बस आपको, ग्रीन पन्नी पकड़ के उठा देना, आपकी बैटरी आराम से निकल जाएगी। इसके बाद आपको आ जाना इस तरफ में, बस अब पीछे कुछ नहीं करना आपको। अब बस ये किनारियाँ इसकी साफ़ कर लीजिए चारों तरफ से। ये एक ट्यूब है दोस्तों, आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फेवी बॉन्ड ले लीजिए किसी भी स्टेशनरी की दुकान से, फेवी बॉन्ड की ट्यूब मिल जाएगी। डिस्प्ले मैं आपको बता देता हूँ, ये डिस्प्ले है इसकी। अब मैं इसकी डिस्प्ले लगा के दिखा देता हूँ। डिस्प्ले के नीचे जो ये ब्लू कलर की पन्नी लगी हुई होगी इसको याद करके हटा लेना। इतना करने के बाद दोस्तों आपको डिस्प्ले को इसके अंदर डाल देना, पत्ता इस तरफ से निकल आएगा अपने आप ही। ये हो गया प्लेन। अब इसके बाद आप बैटरी को रख दीजिए, देख लेना इसके पीछे कोई नट वगैरह ना चिपक गया हो, वरना बैटरी के अंदर नट घुस जाएगा। AA8 ये पासवर्ड इसने बताया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं डिस्प्ले आपकी बिंदास लग चुकी है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। बहुत बढ़िया तरीके से आपकी, देखो ये डिस्प्ले देखो कितनी जेन्युइन है, ठीक है। अब ये डिस्प्ले का प्राइस मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका डिस्प्ले का प्राइस है 750 रुपये आज की डेट में। 750 रुपये में आपको डिस्प्ले मिल जाती है, और इसके पैसे आपसे दुकानदार कितने चार्ज करता है, 2000 रुपये, मतलब वो 1500-1400 रुपये बैठे बैठे कमा जाता है। और दोस्तों फिर वो बैटरी बैटरी चेंज करके और उल्टे उल्टे तरीके से पैसे कमा लेता है, वो भी चीज़ अलग हो जाती है। तो कितनी कमाई करते हैं मोबाइल रिपेयर वाले दोस्तों। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। आपके बहुत सारे मॉडल मैंने बता दिए हैं वीडियोज़ में कि कौन कौन से मॉडल आप कर सकते हो खुद से। डिस्प्ले तो आप किसी भी मोबाइल की चेंज कर सकते हो, आईफोन तक की मैंने डिस्प्ले बता रखी है दोस्तों। बहुत आसान होती है डिस्प्ले डालनी, इसमें तो पेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ी, हमने वो लगाया, पेस्ट लगाया इसमें, ये वाला आईफोन में तो पेस्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती, लॉक लगते हैं बस, ऐसे ही डिस्प्ले निकली दूसरी लगाई बस बिंदास। और भी आसान होती है, अब ऐसे करके आपको रबड़ ये लगा देनी है बस। बस तीन रबड़ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये दोस्तों आपका सेट हो गया।
वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका कोई मॉडल हो जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मॉडल का कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका सोल्यूशन आपको ऑनलाइन दूंगा, देने की कोशिश करूंगा दोस्तों, और मैं बताता भी हूं डिस्प्ले का प्राइस वगैरह ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और गुड बाय।